पवई में डीएम केएस गौतम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश में घर घर तिरंगा फहराने के संबंध में ये बैठक हुई। वहीं बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने और आम जन को जागरूक करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। इसमें एसडीएम ने बताया कि तिरंगा फहराने की संहिता में कुछ संशोधन किया गया है, जैसे खादी के अलावा सिल्क कपड़े का भी उपयोग कर सकते हैं। वहीं बैठक में थाना प्रभारी ने कहा कि तिरंगा से बड़ा कोई झंडा नहीं होता, इसीलिए फहराते समय इस बात का ध्यान रखें कि राष्ट्रीय ध्वज जहां लगाएं उससे ऊंचा झंडा बगल में ना हो।